आज हम लोगों का कार्यकारिणी विस्तार एवं शपथ ग्रहण का कार्यक्रम था, जिसमें मुख्य अतिथि माननीय श्री नरेश अग्रवाल जी, पूर्व राज्यसभा सांसद एवं जो है कि पूर्व कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, जो मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए थे, जिन्होंने हम लोगों को शपथ दिलवाई एवं हम लोगों के द्वारा जो ज्ञापन दिया गया, जिस तरीके से जिला पंचायत राज अधिकारी हरदोई जनपद के अंदर सफाई कर्मचारियों का शोषण कर रहे हैं, उनके पास में कोई वित्तीय पावर भी नहीं है, उसके बाद में भी वो गलत तरीके से कर्मचारियों के वेतन वृद्धियाँ रोकते हैं, वेतन अदे करते हैं, इंक्रीमेंट रोकते हैं, बहुत बुरी तरीके से कर्मचारियों को प्रताड़ित कर रखा है। आज हम लोगों ने अपने मुख्य अतिथि माननीय श्री नरेश अग्रवाल जी को ज्ञापन दिया है, अगर DPRO ने अपना रवैया नहीं सुधारा तो अब DPRO सुधर जाएंगे। धन्यवाद। तुम आगे जा रहे हो, फोकस नहीं करने दे रहे हो। भैया जिंदाबाद, 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 भैया जिंदाबाद, 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 भैया 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 जिंदाबाद। ये भगवान के तुल्य हैं और भगवान जैसे हैं, उन्होंने हमेशा हम छोटे कर्मचारी व सर्व समाज का हित किया है, जिनकी वजह से प्रशासन ने और जिला पंचायत राज अधिकारी ने पूरी ताकत लगाई, उसके बाद में भी कर्मचारी इसी वजह से कुछ नहीं आ पाया है, कोई बात नहीं। माननीय महोदय जी के सम्मान के लिए आप लोग मोबाइल वाले भैया पीछे आइए, मोबाइल वाले भैया पीछे हो जाइए। भैया भैया आप पीछे आप कुमार मंत्री किशन कुमार, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सर्वेश कुमार जी, उपाध्यक्ष मनसाराम राठौर जी और श्री मनोज वर्मा उपाध्यक्ष, श्री राम निवास कुशवाहा जी उपाध्यक्ष, श्री अब्दुल निसार अहमद जी आप भी आ जाए, संयुक्त मंत्री में श्री रवि कुमार, प्रचार मंत्री में श्री विनीत कुमार और महिला संघ में महिला संघ की अध्यक्ष श्रीमती सुनीता देवी, महिला संघ मंत्री श्रीमती चित्रसिखा जी, महिला संघ उपाध्यक्ष श्रीमती मीरा, महिला संघ कोषाध्यक्ष श्रीमती मधुरानी जी और महिला संघ संगठन मंत्री श्रीमती विद्यावती जी, श्रीमती वंदना देवी आप भी एक बुक जो है माननीय सांसद जी को उठते अपने साथ भी आशीर्वाद दें चार छोटे सांसद जी का। अब मैं अपना मांग पद की सत्यनिष्ठा की शपथ लेता हूँ। मैं पंचायती राज प्रधान चरण में सफाई करते बनने दिए गए उपदेशों के अनुसार कार्य होना, मैं संघ द्वारा सौंपे गए कार्यों की ईमानदारी से करूँगा, मैं सफाई कर्मियों के साथ शिक्षा एवं ईमानदारी से उनके हित में कार्य करूँगा, मैं संघ के पदाधिकारियों का पूर्ण सम्मान करूँगा, मैं विभाग की अधिकारी एवं कर्मचारियों का अपने शासकीय कार्यों और दायित्वों का पूर्ता निर्वहन करूँगा, मैं कोई ऐसा कार्य नहीं करूँगा संघ एवं सफाई कर्मियों की गरिमा को देख मैं संघ के माध्यम से सफाई कर्मियों की उचित समस्याओं को